साथियों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अशोक चौधरी। आज भाई बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे पास लोग वीडियो भेजते हैं। अब वीडियो देख के इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। आप भी देखिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दुबई में बता दूँ आपको, मज़दूरों की हालत ख़राब है। उनके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, ठीक है, और जॉब नहीं है, वीज़ा नहीं है, ठीक है, और पासपोर्ट भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट की बेरुखी मानेंगे इसको। मैं बता दूं क्या मानते हैं भाई, अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। अब तक मात्र 17,000 मजदूर पहुंचे इंडिया। मैं बता दूं पिछले एक महीने से अब तक टोटल 1,00,000 लोग आए, उनमें से मात्र 17,000 मजदूर पहुँचे हैं। बताओ क्या करेंगे भाई, मजदूर कहाँ, गुस्सा इतना आता है गाली निकालूं लेकिन गाली नहीं निकाल सकता। सोशल मीडिया पे बैठा हूँ भाई, पढ़ा लिखा हूँ, गाली दूंगा तो लोग मूर्ख बोलेंगे। मात्र 17-18,000 मजदूर पहुँचे हैं अभी तक इंडिया में, पूरे वर्ल्ड से। बता दूं, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखिए, यानी मजदूरों की इतनी हालात। आप वीडियो देखिए भाई आगे, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 3 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें वो भी पूरा डिटेल रहेगा। आप मजदूरों से मुँह से सुन लीजिए कि हकीकत क्या हो रहा है, यानी मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं कैसे 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 निकाल रही, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। अब वो आप आगे देखिए भाई वीडियो, मैं मेरे मुँह से कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। आबूधाबी में है सर, हम लोग 2 महीना से बैठा है, कंपनी हम लोगों का खाना भी बंद कर दिया है, और 1 महीना हो गया रजिस्ट्रेशन किए हुए। जो रजिस्ट्रेशन सर हम लोग आबूधाबी से लखनऊ के लिए किया था, अभी तक एम्बेसी से कोई जवाब नहीं मिला है, और हम लोगों का वीजा भी कैंसिल हो गया है। और हम लोग कंपनी को हेल्प करने के लिए बोला तो कंपनी बोल रहा है सर कि टिकट लेकर के आओ और अपना पासपोर्ट को लेकर के जाओ। सर आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से हम लोगों का हाथ जोड़कर सबने निवेदन है कि वह जल्द से जल्द हम लोगों को भारत बुलाए। ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं राशद खेमा से बोल रहा हूँ दुबई से, और फ्री कास्ट कंपनी राग फ्री कास्ट से बोल रहा हूँ, फ्री जोन के अंदर में है। इतना कम से कम तो 150 आदमी बैठा हुआ, नहीं खाने को भी नहीं दे रही है, और आदमी लोग कितना तकलीफ है, आदमी लोग यहाँ रो रहा है। हमारा रूम नोदी से चाहे कोई भी है उससे रिक्वेस्ट है कि पूरा आदमी को आप पेंशन करके बुलाइए और उन लोगों को घर भेज कर, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग बहुत तकलीफ में है। हाँ, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी सारे नु। ये रिक्वेस्ट यही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नु, असीं UAE दे विच रह रहे जी, ते रैसल खेमे राग प्रीकास्ट टावर टैक साडी कंपनी है जी, ते सानू तकरीबन 10 महीने हो गए जी इत्थे बैठे हुए नु, ते 10 महीने तो ना सानू कंपनी कोई सैलरी दे रही है जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नु बेनती है जी, ते वंदे भारत मिशन दे अधीन असीं 1.5 महीना हो गया सानू रजिस्ट्रेशन कराए नू, पर इंडियन एम्बेसी वालों सानू कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया जी, तो बेनती यही है जी कि सानू इतों कढवाया जाए जी। नहीं, बहुत दुखी है जी, साडी मदद की जाए जी, बहुत दुखी हैं जी। वीडियो नू वध तों वध शेयर किया जाए जी, जिस वीर मेरे हाथ वीडियो लगती है, बेनती है जी उन्हू कि सानू अं बहुत दुखी हैं जी, इतने कले घर के जी हैं जी, तो सानू इतों कढवाया जाए। तो मेरे हर वीर हर भैन भरा बेनती है जी कि जिस भीर हथ वीडियो लगती पी आ, वो इनू वो शेयर करे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़ारे वीडियो आ सके जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह जी।